यस थैंक यू सो मच सर सर वेट वेट हाँ सर वेट एक नंबर थैंक यू अन्ना दीदी आ गया आ गया आ गया शिवा सुंदर सुंदर लुकिया कृति बेटा बस बस लुकिया ये जब ले दे कृति 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 जी चल तो बाय 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 जिन्होंने ये मेंटेन किया कि हमारे पंजाबी कल्चर को कहीं भी पीछे नहीं रहने देना और ऐसे ही त्यौहार बनाते रहना है सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर पंजाबी आइकन अवार्ड्स आल्सो बिकॉज काफ़ी अच्छी अच्छी हस्तियाँ यहाँ पे आने वाली हैं और पहुँचने वाले हैं सारे बहुत एक्साइटेड हूँ मैं मेरी खुद की फ्रेंड भारती भी आ रही है सो आई एम एक्साइटेड टू मीट हर ऑल्सो बहुत ब्यूटीफुल एंकर है हमारे पास सतिंदर सत्ती जी जो पंजाब से आई हैं सो सुपर एक्साइटेड टू वेलकम एवरीबॉडी एंड एन्जॉय द फेस्टिवल थैंक यू Sapraji, I have known him for many years and he is always, whatever he has done it with total dedication and conviction. So, this is not a new thing that they have very concentrated and done in Josh. They always do whatever they do, they do it. And he does it to the fullest. And I am very happy to be here. And you all have a lot of good work. Thank you. मैं आई एम बॉर्न इन अमृतसर बट मेरी माँ ने मुझे वहाँ जन्म दिया और 15 दिन के बाद मुंबई में ही आ गया था तो मैं मराठा ज़्यादा हूँ और पंजाबी कम हूँ मैं मराठी अच्छी बोलता हूँ पंजाबी अच्छी तरह नहीं बोलता हूँ
everybody in this country is very proud of you, and you all have made a name. Punjabi community is very highly regarded by all the other communities in this country. Of course, all the communities are great, but being a Punjabi, we like to speak more about Punjabis, and I'm very happy to be a Punjabi. And by birth, I'm in Punjabi, but by vocation, I'm Maharashtrian. Mera janam sthan Punjab hai, aur karam sthan Maharashtra hai. Thank you. आजा आना आजा यस नहीं मैं काफी सालों से सप्रा साहब के आ रहा हूँ. उनके जो फंक्शंस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं बैसाखी उसमें मेन है. और सबसे खुशी की बात इस बात की है कि सप्रा साहब और उनके साथ जितने भी दोस्त जुड़े हुए हैं ये बहुत ही प्यार से और बहुत ही अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं. तो ये जो कोशिश है कि इन दिनों में अपने लोगों को इकट्ठा करना आसान काम नहीं है, और फिर भी हर साल इकट्ठा करते हैं और लोग आते हैं जुड़ते हैं इनके साथ में. इसके लिए मैं सप्रा साहब की बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा उनको कि आप जो भी करते हो ये कल्चर के लिए और हमारी कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छा रहता है. कि हम बॉम्बे बहुत बड़ा शहर हो चुका है, इजी नहीं है सबका इकट्ठा होना, लेकिन ऐसे मौक़ों पे कोई पीछे रहना नहीं चाहता और सब लोग आगे बढ़ के मिलते हैं और ये फंक्शन जो है इस तरह ऑर्गेनाइज होता है. अरे बैसाखी की बहुत ज़बरदस्त मेमोरीज हैं. मैं छोटे शहर का रहने वाला हूँ तो उन दिनों लोग घरों में आते थे. पूरी टीम होती थी जो भांगड़ा मारते हुए घरों से निकलते थे. मैं अपने गांव जाता था स्पेशली देखने के लिए कि वहाँ जो मेन मार्केट थी वहाँ से लोग निकलते थे भांगड़ा करते हुए. वो नज़ारा कम हुआ है, लेकिन आज भी हो रहा होगा उस साइड में, शहरों में तो कम हो गया, लेकिन वो जो मेमोरी है कभी रब ऑफ नहीं होने वाली. थैंक यू जी, ऑल द बेस्ट, सब सबको बैसाखी मुबारक. First of all, I would like to thank sir for inviting me for this occasion. It's such a pleasure to be here. When my friend Dr. Professor Shetty called me first time that you have to come on 14th, there is a Punjabi Biradari and we are going to honor. So I was a bit taken aback. मैंने बोला मुझे honor मुझे मिलेगा या मुझे honor करना है किसी को, क्योंकि 20-25 साल हो गए retired हो जाने के बाद. तो then he said that no, we have to honor you. Punjabi Biradari is going to honor. It's such a pride moment for us, you know, that Punjabi Biradari
20 साल के बाद भी मुझे याद किया उन्होंने, 25 साल के बाद भी याद किया उन्होंने, एंड सच अ ग्रेट ऑनर एंड ग्रेट फीलिंग फॉर दैट. Yeah, not so much because I'm born and brought up in Baroda, but I played in Bombay for 10 years. I was working here. I was playing my cricket for 10 years in Mumbai. Yes, my father came after partition, and then we settled in Baroda. So whatever small group we had, you know, I was practicing. I was focusing on my cricketing career. So जो थोड़ा बहुत मौका मिलता था पंजाबियों के साथ मिलने का, बरोड़ा में भी हमारा ऐसा एक कल्चर हेरिटेज है, ग्रुप है पंजाबी बिरादरी का, तो वहाँ जाना होता रहता है. बट ऑन सच ए बिग ओकेजन, या दिस इज द फर्स्ट टाइम. मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारे जितने भी स्टार हैं, ये कह रहे हैं कि भाई बहुत साल हो गए रिटायर हो गए, बट यू विल नेवर बी रिटायर्ड, लेट मी से दैट. थैंक यू. आप हमारे दिलों में बसते हैं, आपने इस कॉम का नाम रोशन किया है, देश का नाम रोशन किया. थैंक यू ऑलवेज. थैंक यू वेरी मच. I'm just overwhelmed and excited to be here today. As always, बहुत ज़्यादा pride feeling होती है to be his wife, जिन्होंने इतना अच्छा खेला है, इंडिया को represent किया है, और आज बहुत बहुत खुशी हो रही है यहाँ पे आके, and I would like to wish everyone happy Baisakhi. Thank you. और हमारे पंजाबी हर किस्म, हर field में आगे, खास करके border पे, जो हमारे पंजाबी भाइयों जो इतनी मेहनत करते हैं, देश की सुरक्षा करते हैं, उनका कोई जवाब नहीं. और ये भी बहुत अच्छा लगा कि आप दोनों फ्रेंड्स इतने वर्षों बाद स्कूलों के बाद मिलना हुआ. थैंक यू. इतने माइक, इतने सवाल तो नहीं ना. सवाल दो ही, छोटा बच्चा भी है, दो ही सवाल. नहीं भाई, आपके बच्चे बड़े हो गए, मेरा छोटा है ना सर. शूट करके मैंने घर भी जाना है. हाँ जी, बड़ा गोला आ गया. मैं सच्ची बताऊँ, मैं जब आ रही थी ना, और मैंने गेट में, मैं जैसे गाड़ी मेरी एंट्री देखी, और मैंने इतने सारे पंजाबी, इतने सारे सरदार देखे, मुझे ऐसे लगा मैं अमृतसर आ गई हूँ. पर इतना अच्छा फील हुआ ना, और मतलब पंजाबियों की हाइट तो आपको पता है, किसी से छुपाने से छुपती नहीं. मतलब इतनी अच्छी हाइट और इतने सारे पंजाबी, मुझे सच्ची इस तरह मेरी पंजाबी निकली जान दी है. निकल जाए ना फिर मुझे, मैनू इदा लगता है कि मैं पंजाब से हाँ. बस अब मुझे पता आप इनको समझ नहीं आ रहा ऐसे देख रहे हैं, बट मैं दिल से बोल रही हूँ कि मैंने इन्ना वधिया लगता पाया ना. हाँ थोड़ा बिजी सी, इस करके फटाफट आए, फटाफट जाना है. बट कहते ना कि जो तो मौका मिले पंजाबी इकट्ठे हो तो हो जाना चाहिए. बिल्कुल पूरा रहता है जी, विसाखी का तो पूरे देश को रहता है, क्योंकि फसलें कटती हैं तभी तो खाना मिलेगा सबको. और आज मैं आ रही हूँ तो मुझे और ज़्यादा अच्छा लग रहा है. और बाकी पता नहीं अवार्ड अभी मिला नहीं है, ख़त्म ना हो गए हों. हमें बड़ा मान है, बड़ा नाज है भारती जी पे, कि इन्होंने एक छोटी सी जगह से, छोटे परिवार से शुरू होकर के, और अपना भी कीर्तिमान हासिल किया, और पंजाबी कम्युनिटी इज रियली प्राउड ऑफ हर फॉर हर अचीवमेंट. और जिस तरह से इन्होंने पंजाबियत का नाम रोशन किया है, देश का नाम रोशन किया, बिल्कुल हम तो ब्लेसिंग्स देते हैं कि हमारी बहन इसी तरह से छाई रहे. यस, और मुझे बड़ा प्राउड होता है, और मैं बड़े मान के साथ बोल सकती हूँ कि मैं अमृतसर से हूँ, जहाँ पे गुरु की नगरी कहा जाता है जिस शहर को, जहाँ हरिमंदर साहिब गोल्डन टेम्पल है. मैं बड़ी लकी हूँ कि मेरे घर से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पे था, और मैं वहीं पर पली बड़ी हूँ.
तो मैं बड़ी लकी और ब्लेस्ड फील करती हूँ। आप देख लीजिए, कोई भी पंजाब से पंजाबी आया है बॉम्बे में आके कभी फेल नहीं हुआ, क्योंकि पंजाबी इतने मेहनती और खुश दिल होते हैं ना कि मतलब आलू की तरह होते हैं, हर किसी में रच जाते हैं, आलू मटर आलू पनीर हर किसी में, तो आलू जैसे ही हूँ। चलो जी, थैंक यू। हाँ बस आपका जब बेबी होगा तब आप भी पता चल जाएगा, बट अच्छी बात है ना यार, गोला तो अभी जो हाल कर रहा है ना, उसके पीछे के दांत आ रहे हैं, अभी ये चीज़ पकड़ो तो उधर मतलब अभी बंदर जैसा हाल हो गया, ऐसे 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 मेरी गर्दन ही ऐसे घूमती रहती है। बट इसीलिए मैं थोड़ा शूट कम करती हूँ, डांस दीवाने ही कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ये टाइम बच्चे के साथ रहना है। मतलब ये ना हो गया जब नैनी जाए घर अपने तो वो बच्चे की यादें वो बताए, मैं क्या बताऊँगी, तो मैं बताने के लिए इसीलिए आप देखते डेली व्लॉग आप देखते ही हैं कैसा होता है मेरे साथ। भाई मेरे दिल को दुखा रहे नहीं नहीं मेरे साथ रहता है अभी भी, मैं रास्ते में भी लोगों के बच्चे देखती आती हूँ। जब आपका बच्चा हो जाता है ना तो आप लगता है कोई रोया तो अपना बच्चा रोया, मैं नहाती हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि रो रहा है, मैं नल बंद करके सुनती रहती, मेरे को ऐसा लगता है मैं पागल तो नहीं होगी। बट मैं जिससे भी बोलती हूँ कहते नहीं नहीं हर माँ का यही हाल होता है, तो मैं पागल नहीं हुई, मैं ठीक हूँ। टिप्स यही देंगे कि बस शादी के बाद बेबी कर लीजिए, अगर आप मोटे हैं तो आप पतले हो जाएंगे, और फिट रहिए, क्योंकि कोविड के बाद से मैं फिट हुई हूँ, आपको लगा नहीं 2 साल लगे भाई, क्योंकि जब सेकंड वेव आई थी और सांस वांस की बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी ना, तो तब मैंने कहा कि नहीं भाई सांस नहीं अभी जानी चाहिए, तो इसीलिए थोड़ा खाने पर कंट्रोल किया है। गोले का गोली, हाँ दीपनीता, हाँ जी हाँ जी, कल डांस दीवाने का ही शूट है इसलिए मैं खड़ी हो गई हूँ, आप तो रात भर सवाल पूछते रहो। थैंक यू सॉरी 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 नो सॉरी नो थैंक यू नो सॉरी नो थैंक यू पार्टी लाइन्स बैठो बैठो भाजी। अब फोटो वाला कोई नहीं आ रहा, इधर 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 बैठ जाओ। Punjabi population in Mumbai. These families, the Randhawa family, the Randhawa voters, dad used to be there. And our mayor used to be there. So our Pradeep ji, the hotel ke, Pritam. So these people, Odisha, these people are amazing people. Unke dad. So hum ka jude hai, bachpan se jude hai. Inke saamne humne ye sab events dekhe. And Lohri, Baisakhi, ye hamesha mana. Aapki Baisakhi ki khud ki kya memory? बैसाखी की मेमोरीज तो हमारे तो पिक्चरों में डैडी गाने डालते थे, जट्टा आई बैसाखी ऐसे ऐसे गाने होते थे, वो सब हमने देखा है। पंजाब में हमने जाके लोहड़ी बैसाखी, हम तो मुंबई वाले हैं यहीं पैदा हुए हैं, लेकिन पंजाब में जाके लोहड़ी बैसाखी देखी है। हमारे घर में लोहड़ी हमेशा जलती है, बैसाखी में हम दस क्लब में होती है, मुकेश पटेल जी के हॉल में हो रही है, तो इट्स वेरी वंडरफुल।
Now sit. Yes. Yashwar is in Hindi or English? Okay. So very proud to be a part of the Vaisakhi Di Raat function, and was very thrilled to be invited. So I have been a part of this industry for the past 24 years, and a very proud Punjabi, because I think Punjabi culture is very ingrained in our Bollywood movies, and the audience is also. The Punjabi audiences make a large part of the viewership of the Bollywood films. So I feel very, very happy that I have made my own little contribution to the entertainment world as a proud Punjabi, and to be recognized in that regard makes me feel very, very happy. Congratulations to him for being the torchbearer for so many years, and wish him all the best. Many, many more milestones to come. Yeah. Thank you. Yeah. Hi. Hi. How are you? Hello, boss. Good. 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 How are you doing? Good. Very well. How are you? अभी ज्यादा नहीं, खाली दो ही क्वेश्चन पूछो नीचे. भाजी तो हमेशा यू नो पंजाब को एकदम ऑन टोस रखते हैं. बॉम्बे में कभी महसूस ही नहीं होता कि यू नो आप पंजाब में नहीं है, और भाजी से जब भी मिलते हैं ऐसा लगता है कि वापस यू नो पंजाब पहुंच गए. और जब भी कोई ऐसा फेस्टिवल होता है तो हम पंजाब को मिस नहीं करते, भी भाजी इधर रहते हैं. यस, आई एम वेरी थैंकफुल सोनू जी, जो अपने आप में इन्होंने हर क्षेत्र में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है. मोगे से उठ करके मुंबई और मुंबई से पूरे विश्व में ये एक बहुत बड़ा कीर्तिमान इन्होंने हासिल किया है. एंटायर पंजाबी कम्युनिटी इज़ प्राउड ऑफ हिम एंड द वे ही हैज़ वर्क ड्यूरिंग कोविड. मेरे ख्याल से पूरे विश्व के अंदर लोग सोनू जी को दुआएं देते हैं, और हम भी दुआएं देते हैं. हम चाहते हैं कि ये और आगे बढ़े और सेवा करें. थैंक यू जी, गॉड ब्लेस यू. रख देना सर, सीधा हो जाए तब होने दे. इसके बाद यहाँ यहाँ माइक दे. तू मन जा, मैं जाता हूँ. फॉरमोस्टली सबको वैसाखी की बहुत बधाई. और आई थिंक वैसाखी पर हर साल हमारे शोज होते हैं, विच इज़ मोस्टली ऑल ओवर द कंट्री एंड आउटसाइड ऑल्सो. वेरी रेयरली इट हैपन्स दैट बॉम्बे में हमको परफॉर्म करने का मौका मिलता है. एंड टुडे वी आर परफॉर्मिंग हियर इन फ्रंट ऑफ आर ओन पीपल, ऑल पंजाबीज फ्रॉम मुंबई. एंड थैंक्स टू सबरा जी को, ही इज़ द वन थॉट ऑफ इट एंड गॉट अस ऑल टुगेदर. सो रौनक लगेगी आज. आज पंजाबी आइकन अवार्ड्स हैं इतने, तो वी आर फीलिंग वेरी प्रिवलेज. दिस इज़ लाइक एन अवार्ड फॉर अस ऑल्सो. थैंक यू सबरा जी एंड द एंटायर टीम एंड बाबा अंकल एंड एवरी वन. दे हैव अ ब्रिलियंट एसोसिएट्स टीम्स
सो बॉम्बे च कट पंजाबी ने बट बड़े स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है वी आर वेरी हैप्पी वी आर लाइक वन बिग फैमिली एंड बैसाखी से बेटर दिन क्या हो सकता है इट्स बिगर देन यू नो न्यू ईयर्स एंड बिगर देन दिवाली फॉर अस इट्स अ बिग ओकेजन तो सारे रल के भंगड़ा पावांगे रोला पावांगे तो वी विल गोना हैव अ नाइस नाइट वी विल हैव अ बिग नाइट टुनाइट Yeah, we have a lot of known people coming here today. Our family is here, my mother and everyone. So, feeling very, very overwhelmed. Yeah. It's always better when you are in front of your own people, your own family. It's always like, it doesn't feel that you're performing or working. It feels more like you're celebrating yourself. Samraji, you have the magical tour with us. I would like to thank both of them. यानी हमारी कम्युनिटी के ये पॉपुलर फेस है और ये पॉपुलर ब्रांड है जिन्होंने खुद मेहनत करके इन्होंने अपने कीर्तिमान हासिल किए हैं वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू बोथ और इसी तरह से गुरु महाराज आपकी मदद करते रहे यही आज कह सकता हूँ एंड दिस इज गोइंग टू बी इवेंटफुल डे विद बोथ द ब्रदर्स और बैसाखी हम एंजॉय करेंगे और बेबी डॉल गाएंगे छुट्टियाँ गलाइयाँ गाएंगे ये दुनिया पित्तल दी ये दुनिया पित्तल दी ओ बेबी डॉल तो सोने दी ओ बेबी डॉल तो सोने दी थैंक यू अरे अरे भाई योगेश भाई नाम तो वेरी पुरानी होता है अच्छा सर क्या बात है इनको भी अवार्ड दे दीजिए कि हां ये तो हर साल नो इवेंट कैन हैपन विदाउट यू सर कितने हद तक जब से चलो ग्रेट अभी खत्म हो रहा है नीचे चलो आपको स्टेज पे बुलाना है सोनू सूद आया होगा